नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त गिरीश। मैं आज आपको TDS मैक्स में कल हमने व्यू के बारे में सीखा था। इसके आगे के वीडियो में हमने व्यू को कैसे शॉर्टकट का यूज़ करके हम पूरा मूव कर सकते हैं। व्यू के मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे कि व्यू को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आज हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। बहुत ही बेसिक सीरीज है ये मेरी। ऑब्जेक्ट को हम कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को हम स्केल यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा 3D Studio Max और ये है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। ये मैक्सिमाइज किया हुआ मेरा व्यू है। मैं Alt W प्रेस करूंगा और यहाँ पे अभी दो पर्सपेक्टिव व्यू आ गए हैं। यहाँ पे मुझे फ्रंट व्यू चाहिए तो मैं सिंपल F प्रेस करूँगा तो फ्रंट व्यू आ जाएगा मेरा। और दोस्तों मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ये पूरा जो हमारा कमांड पैनल है, यहाँ पे इसको कहते हैं कमांड पैनल। यहाँ से पूरे हम कमांड जो है वो 3D Max को दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस 3D Max में कोई अगर चीज़ है, कोई अगर पैनल है, वो है कमांड पैनल। कमांड पैनल से ही पूरा 3D Max जो है वो ऑपरेट होता है और हम करते हैं। तो पहले हम थोड़ा कमांड पैनल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं हम ऑब्जेक्ट को मैं दिखाऊंगा। तो कमांड पैनल में दोस्तों अलग अलग हम कमांड ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्रिएट का है, यानी कि मुझे कुछ भी क्रिएट करना है तो कमांड पैनल में मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो ये पूरे जितने ऑप्शंस है वो फॉर द क्रिएशन, जहाँ से हम इसको कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है शेप, उसके बाद है लाइट, उसके बाद है कैमरा, उसके बाद है मॉडिफाइंग हेल्पर्स एंड हायरार्की है, स्पेस ट्रैप है एंड सिस्टम्स है। तो इतने ऑप्शंस जो है वो फॉर द क्रिएशन, ओनली क्रिएशन करने के लिए है। और उसके बाद आता है मॉडिफाई, जहाँ से अगर आपने कुछ भी क्रिएट किया है तो अगर आप उसको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई में कर सकते हैं। उसके बाद हायरार्की आता है, उसके बाद मोशन आता है और उसके बाद आता है डिस्प्ले, उसके बाद आता है यूटिलिटीज। सबसे पहले जो हम आज सीखने वाले हैं वो है हमारा क्रिएट पैनल। उसके अंदर आएगा हमारा जियोमेट्री। जियोमेट्री में फर्स्ट जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो है स्टैंडर्ड पिरामिड्स। स्टैंडर्ड पिरामिड्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जितने भी हमारे स्टैंडर्ड है पिरामिड्स वो आ जाएंगे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक शेप जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पिरामिड्स। ठीक है, उसमें बॉक्स दिया है, स्पीयर दिया है, सिलेंडर दिया है, ट्रॉन्स है, टीपॉट है, टेक्स प्लेन है एंड कॉन जियोस्पीयर ट्यूब पिरामिड एंड प्लेन। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बॉक्स का, तो बॉक्स पे को आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा, सबसे पहले आपको विड्थ एंड लेंथ डिफाइन करना है, उसके बाद हाइट डिफाइन करना है। तीन क्लिक करनी है, पहले क्लिक में आपको विड्थ, देन लेंथ, देन क्लिक छोड़ के फिर हाइट। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आप बॉक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, लेंथ और विड्थ डिफाइन हो गई। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे भी आपको पैरामीटर नज़र आएंगे कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप छोड़ेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक हल्का सा एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स को हम कैसे मूव करेंगे, इस बॉक्स का हम पोजिशन कैसे चेंज कर सकते हैं और इस बॉक्स को हम रोटेट कैसे कर सकते हैं, इस बॉक्स को हम स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया है ये मूव टूल, ये रोटेट टूल और ये हमारा स्केल टूल, स्केल यूनिफॉर्म टूल। इसमें भी तीन ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऊपर के तीन ऑप्शन जो है उसको सीखेंगे। फर्स्ट है मूव टूल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है
तो हम मूव टूल को सिंपल एक्टिवेट करेंगे, इसका शॉर्टकट है W। अगर कीबोर्ड में से आप W प्रेस करेंगे तो भी जो आपका मूव टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट कर दिया, यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया, ये हमारा सिलेक्शन टूल है जिससे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से मूव टूल लूँगा या तो फिर मैं कीबोर्ड में से W प्रेस करूँगा तो भी मेरा मूव टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने मूव टूल लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी टॉप व्यू में दो चीज आ रही है, वाई एंड एक्स, लेफ्ट में आ रहा है वाई एंड जेड, एंड जो हमारा फ्रंट व्यू है उसमें आ रहा है वाई एंड एक्स। ठीक है, एक्सिस के हिसाब से इसकी पोजिशन चेंज होती है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मुझे थोड़ा मूव करना इन एक्स, तो एक्स का जो सिंपल पोर्शन है उस एरो पे मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। सिंपल एक्स जी की एक्स का जो पोजीशन है उसी में ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो चेंज होगा। तो मुझे वाई में चेंज करना है तो सिंपल मैं वाई में जाऊंगा और वाई में मूव करूंगा। दोनों साइड मुझे मूव करना है तो यहाँ पे जहाँ पे सेंटर पॉइंट बन रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हल्का सा साइन आ रहा है मेरा येलो कलर का, वो ये बता रहा है कि आपका एक्स और वाई दोनों एक्सिस अभी आप सिलेक्ट हो सक कर सकते हैं। देखिए अभी ये रेड है और ये येलो है, जैसे मैं सेंटर में जाऊंगा तो ये दोनों येलो हो गए, यानी कि दोनों साइड आप इसको मूव कर सकते हैं। ये सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो मुझे थोड़ा वाई की साइड मूव करना है, ऊपर ले जाना है, तो इसको मैं यहाँ से वाई की डिरेक्शन में मूव करूँगा। और आप पर्सपेक्टिव व्यू में से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, यहाँ से एक्स एंड वाई एंड जेड। ये हमारा हो गया मूव। उसके बाद हम जाएंगे रोटेड में, ये हमारा सिलेक्ट एंड रोटेड, इसका शॉर्टकट है ई, मूव का है W और स्केलिंग का है R, R फॉर स्केल। स्केल करना है यहाँ से, सिंपल मैंने स्केल टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग पकड़ के खींचना है आपको। एक्स की साइज मुझे थोड़ा स्केल करना है, वाई की साइज में मुझे थोड़ा स्केल करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जूम का यूज़ करके मुझे स्केल करना है तो भी आप कर सकते हैं। जेड जेड किसी भी एक्सिस में आप इसको स्केलिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मुझे जेड और एक्स दोनों में सेट करना है, तो दोनों साइड से आप कर सकते हैं। जेड एंड वाई में स्केलिंग करना है, एक्स एंड वाई में स्केलिंग करना है, तो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिंपल स्केल, जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। इसको अब हम कर सकते हैं इसको रोटेड। तो ये है हमारा रोटेड टूल, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मुझे घुमाना है, इस डिरेक्शन में रोटेट करना है, एक्स डिरेक्शन में रोटेट करना है, वाई डिरेक्शन में रोटेट करना है, जेड डिरेक्शन रोटेट करना है, किसी भी डिरेक्शन में आप इस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। और इसमें आपको कंप्लीट डिग्री वाइज भी अगर आपको रोटेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो एक्स वाई एंड जेड। तो x की वैल्यू मैं अभी जीरो कर रहा हूँ, y की z की वैल्यू मैंने जीरो की और y की वैल्यू मैंने जीरो की। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 0,0 पे है, ठीक है, x y एंड z तीनों जीरो पे है। और इसी तरह आप अगर ये जो तीन टूल है उसमें से आप कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, क्या करना है आपको, अगर आपको परफेक्ट वैल्यू दे के इसको मूव करना है, परफेक्ट वैल्यू में आपको इसको डिग्री में परफेक्ट रोटेट करना है, यूनिफॉर्म स्केल करना है, परसेंटेज में स्केल करना है, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस है उसमें से जो जिस पे भी आपको जो एक्टिविटीज करवानी है, जैसे इसको मूव करना है परफेक्ट 10 mm, तो आप इस पे राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। अब इस बॉक्स में आप इसको एक्स में वाई में और जेड में आप वैल्यू एड करके इसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये 0,0 पे है। अब समझ लीजिए एक्स से मुझे इसको 20 mm जो है वो मूव करवाना है, 20 दे दिया, एंटर करेंगे तो 20 mm मूव हो जाएगा। वाई से मुझे 50 करना है, एंटर, जेड से मुझे 50 करना है, एंटर। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्ट वैल्यू देके भी आप मूव कर सकते हैं।
और इसी तरह आप रोटेट पे राइट क्लिक कीजिए, तो रोटेट में भी आप सेम एक्स में रोटेट करना है, वाई में रोटेट करना है एंड जेड एक्सिस में रोटेट करना है। सेम उसी तरह हम स्केल में करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्स को स्केल करना है, वाई में स्केल करना है और जेड में स्केल करना है। तो ये छोटा सा सेशन मेरा आपको कैसा लगा अबाउट इन मूव रोटेट एंड स्केल? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे दूसरी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।